हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी के पल। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं लेके आई हूँ केक, बॉर्बन बिस्किट से बनाया है। देखिए ये केक बहुत ही स्पंजी और टेस्टी बना है, लुक भी अच्छा आया है केक का। सिर्फ तीन ही चीज़ों से बनता है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉर्बन बिस्किट, गर्म दूध और इनो। दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लीजिए। स्टार्टिंग से पहले बिस्किट को मिक्सी में ग्राइंडिंग कर लीजिए, बिस्किट का पाउडर बना लीजिए। ये देखिए दोस्तों, फिर इस बिस्किट के पाउडर को एक बाउल में निकाल लीजिए। फिर उसमें दूध थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। मेरा ये मिक्सी थोड़ा गाढ़ा हो गया था, इसलिए मैंने और थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको फिर से मिलाया। ये देखिए केक बैटर इतना होना चाहिए। फिर जिसमें हम केक बनाएंगे उस टिन में थोड़ा सा ऑयल या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं। बटर थोड़ा सा लगा के, गेहूं का आटा रहता है उस आटे को थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। उसकी वजह से हमारा केक जो है वो टिन से चिपकेगा नहीं। और फिर उसको ऐसे हिला दीजिए। फिर हम केक के बैटर में एक पैकेट इनो डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। याद रखिए, जिस टाइम पे हम केक को डालेंगे टिन में उसी टाइम पे इनो मिक्स कीजिएगा, उससे पहले नहीं। अभी उस टिन में हमने केक का बैटर डाला और ये ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डालिए वरना मत डालिए। फिर हमने गैस में पानी लिया है गरम करके, उसमें स्टैंड रख के टिन रख दीजिए और इसको 25 से 30 मिनट्स तक रख लीजिए। और फिर एक पिन के हिसाब से चेक कर लीजिए, हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, अभी अच्छी तरह से निकल चुका है हमारा केक। उसको एक प्लेट में निकाल दीजिए। ये देखिए हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पंजी बना है, आप घर में ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत ही इजी है। थैंक यू फ्रेंड्स।